दिल्ली की सड़कों पे 1000 और क्लस्टर बसेस उतारने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है, क्योंकि अभी इससे संबंधित कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, तो ये इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई है कि 1000 क्लस्टर बसेस नहीं खरीद ली जाए, उसका प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए सब्जेक्ट, और उसका वर्क अवार्ड किया जाएगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। और हमें उम्मीद है क्योंकि दिल्ली में बसों की किल्लत है, तो माननीय कोर्ट की तरफ से भी इसको अर्जेंटली मिल जाएगी। 7 साल बाद अब से पहले नई बसें खरीदने का जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ था वो 7 साल पहले हुआ था, जनवरी 2011 में। 1000 बसें अब खरीदी जाएंगी, तो उसका पूरा डिटेल हम कैलाश से बताएंगे। इसके साथ ही सर सूचना के लिए आपको बता रहे हैं, जब इसका डिसीजन हो जाएगा तो आगे उसकी सूचना देंगे कि 1000 DTC बसें खरीदने की भी तैयारी चल रही है। वो 2008 में इसके पहले बसें खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ था, तो DTC बसें खरीदने का भी तैयारी चल रही है 1000 की, और 1000 क्लस्टर बसेस खरीदने का ये प्रस्ताव आज पास किया है। इसके पहले दिल्ली में जब हमने बसेस खरीदने का सिलसिला शुरू किया था, तैयारी शुरू की थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी बस खरीदने में कि हम बसेस को रखेंगे कहां। तो पिछले 3 साल में हमने इनको बसेस को रखने की जगह भी बड़े पैमाने पर बनाई है, 8 डिपो तैयार कर लिए गए हैं ताकि 1000 बसेस को रखा जा सके। तो मैं कैलाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे प्रपोजल की, तो ये नई बसेस आएंगी, क्लस्टर बसेस दिल्ली की सड़कों पर आएंगी, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने।